चुनावी ड्यूटी के आदेश कुछ कर्मचारियों के लिए बने मुसीबत। एक शिक्षक का विगत 21 तारीख को फ्रैक्चर हो जाने से उसे चलने फिरने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं चुनावी ड्यूटी के आदेश के कारण उक्त शिक्षक को उसके परिजन ड्यूटी के स्थान पर लेकर जा रहे हैं। वहीं शिक्षक के द्वारा इस बात की सूचना अपने उच्च अधिकारियों को भी दी गई। वहीं डॉक्टर का मेडिकल भी लगाया गया, लेकिन अभी तक उनकी छुट्टी मंजूर नहीं की गई है। ऐसे में मजबूर उन्होंने एक टांग से ड्यूटी करना पड़ रही है। वोट तो डाल लो, वोट तो अंदर ही डलेगा। नहीं बन रही, नहीं बनेगी। चलो नहीं बनेगी तो आ जाओ, बाद में डलवा देंगे। वो तो अभी हाँ, मोटरसाइकिल इनका 21 तारीख को पैर फ्रैक्चर हो गया, गिर गए और पैर में जो एड़े की हड्डी होती है उसमें काफ़ी फ्रैक्चर है और डॉक्टर के पास संपर्क किया तो उन्होंने कहा आपका फ्रैक्चर है। उन्होंने पट्टा चढ़ाया, उन्हें 40 दिन का पट्टा है और आप ऐसी स्थिति में घूम फिर नहीं चल सकते, क्योंकि नहीं तो ये सेट नहीं हो पाएगा। हड्डी ज़्यादा टूटी हुई है, चोट ज़्यादा है। तो फिर उन्होंने ये सारे पेपर्स बनवाए, उन्होंने डॉक्टर साहब को बताया अभी मैं चुनाव ड्यूटी में, बोला नहीं आपका मेडिकल बन जाए, आप नहीं कर सकते चुनाव ड्यूटी। तो सारे पेपर्स उन्होंने स्कूल में भेजे, वहाँ से स्कूल प्राचार्य जी ने 26 तारीख को नोटशीट बनाकर जिला निर्वाचन कार्यालय में जमा कराई और जिला इसके बाद प्रतीक्षा की इन्होंने कि ड्यूटी अब कैसे करेंगे। तो लेकिन ड्यूटी आ भी गई इस दौरान और कोई अभी तक सूचना नहीं मिली। उनके भाई ने संपर्क भी किया जाकर, तो एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय, एक अधिकारी से दूसरे कार्यालय चक्कर लगाना पड़ा और अंत में ये बता दिया गया कि आपको चुनाव का जब तक ड्यूटी है हम कुछ नहीं कर सकते, कलेक्टर साहब ही इस पर निर्णय लेंगे। तो कलेक्टर साहब से ही मिलने का प्रयास किया, लेकिन दो दिन से भाई गए भी, कलेक्टर साहब भी कहीं व्यस्त हैं, नहीं मिल पाए और आज दिनांक तक ड्यूटी कैंसिल भी नहीं हुई। उनको उनके भाई और परिजन यहाँ पर कैसे भी करके लाद कर कंधों पर लाए और कक्ष में भेजा गया है। उनसे बैठते भी नहीं बन रही है, बड़ी मुश्किल हो रही है उन्हें बैठने, पैर दर्द करता है, पैर सो जाता है, दिक्कत आ रही है, लेकिन ऐसी स्थिति में ट्रेनिंग लेनी पड़ रही है।